चंपत बाला के बरेली कोतवाली में चित्रकूट बांदा पुलिस महानिरीक्षक के फतेह द्वारा कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया गया। उन्होंने सर्वप्रथम महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया, जहां पर हेल्प डेस्क प्रभारी उप निरीक्षक रश्मि देवी और महिला कांस्टेबल मौजूद रहे। उसके बाद मेस में जाकर खाने पीने की गुणवत्ता की भी जानकारी ली गई, साथ ही माल खाने में जाकर सस्ते की गुणवत्ता की भी जानकारी ली गई, साथ ही अन्य कुछ निर्देश भी दिए। बांदा से मथु पटेल की रिपोर्ट। ये क्या क्या निर्देश दिए गए? आज थाना कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण में हम और कप्तान साहब यहाँ आए थे, और एडिशनल एसपी साहब भी है, एससीओ साहब भी है, और थाना अध्यक्ष भी मौजूद है। और थाना का पूरा परिसर का भ्रमण किया गया, थाना का विभिन्न रिकॉर्डों को भी परीक्षण किया जा रहा है, और थानों का शस्त्रों का साफ सफाई और उनका जो अपडेट करने का वो भी देखा जा रहा है, और CCTNS में जो कंप्यूटर में जो फीड हो रहा है आपराधिक रिकॉर्ड्स उसका भी देखा जा रहा है। तो ये थाना का विभिन्न पहलुओं पर जो है उसका ये मुआयना किया जा रहा है, और इसी प्रकार जो है वो थाने में जो माल गाड़ियां हैं, जो गाड़ियां विभिन्न मुकदमों में सीज किया हुआ है, तो उन मुकदमों उन वाहनों का निस्तारण के संबंध में भी अभी जाँच करके फिर वो भी निरीक्षण के दौरान इनको निर्देश दिया जाएगा। सर, निरीक्षण के दौरान क्या कुछ खामियां वगैरह मिली कर? नहीं, अभी हम देख रहे हैं जहाँ जहाँ खामियां मिली है, जैसे थाना का एक बिल्डिंग है, वो नया नया बिल्डिंग बनी है, उसमें कुछ खामियां मिली है, तो उसके संबंध में भी निर्देशित किया जा रहा है। तो इसी प्रकार जो जहाँ जहाँ जो खामियां हैं, तो उन खामियों के संबंध में भी, जैसे थाना का जो मालखाने का जो गाड़ियाँ हैं, जो उन गाड़ियों पर मुकदमा अपराध संख्या धारा लिखना था वो नहीं लिखा गया है, तो उसको लिखने के लिए अभी सब इंस्पेक्टरों का टीम लगा दिया गया, तो सभी वाहनों पर ये लिखी जाएगी। इस प्रकार जो कमियां मिल रहे हैं उसके संबंध में निर्देशित किया जाएगा। मंदाकिनी टाइम्स की सभी छोटी बड़ी खबरों के अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।